राधे राधे दोस्तों, जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया चौथा मुकाबले हरारे स्पोर्ट क्लब में। दोस्तों यहां की कौन सी पिच यूज होने वाली है, दोस्तों क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, प्री मैच एनालिसिस के हिसाब से क्या फिर से फ्लॉप होने वाले हैं आपके अभिषेक शर्मा, क्या गिल का बल्ला फिर से चलेगा या फिर गैकवार्ड होंगे फ्लॉप। दोस्तों बात करेंगे एक एक खिलाड़ी के बारे में, फिर हम चलेंगे ड्रीम इलेवन ऐप पर। अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों तीन मुकाबले हुए हैं यहाँ पर और दो पिचेस का यूज किया गया है। दोस्तों पहले मुकाबले में ये पिच यूज हुई थी, दूसरे मुकाबले में ये पिच यूज हुई थी और तीसरे में फिर से यही यूज हुई थी। दोस्तों तो हम बात करेंगे दोस्तों, अगर इन तीनों पिचेस में से दोस्तों ये पिच यूज हुआ होगा या फिर दोस्तों यहाँ पर इस पिच पर भी गेम खेला जाएगा। दोस्तों अगर दोस्तों पहले मुकाबले आपने देखा होगा तो काफ़ी टीम कोलैप्स कर गई थी दोनों टीमें, और वहीं दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो दोस्तों शानदार तरीके से रनों की बौछार हो गई थी दोस्तों, और तीसरे मुकाबले की बात करें तो दोस्तों विकेट स्लो होता हुआ दिखा, दोनों तरफ से विकेट्स गिरे और शानदार तरीके से इतने कुछ इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए भी फिर भी रन इतना कुछ खास नहीं कर पाई। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो रिपोर्ट्स बन के निकल के आ रही है तो दोस्तों पिच नंबर दो यूज की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को बड़ी मुश्किल से ये मैंने निकाली है, अगर यहाँ से अगर हम देखें तो अभी तक मायने हैं इससे अंदाज़ा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये सारी रुकावटें जो है इससे पता चल रहा है कि यही पिच यूज होने वाली है, और ये पिच नंबर है दोस्तों दूसरी पिच जो कि दूसरे मुकाबले में खेली गई थी, यूज की गई थी दोस्तों, उस पर मुकाबला ये खेला जाएगा और शानदार ये मुकाबला शायद है रहने को है जो कि बल्लेबाजी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने को है दोस्तों इस बात को। परंतु दोस्तों ऐसा ना माने कि बल्लेबाजी चलेगी, बॉलर्स भी शानदार रहेंगे दोस्तों। तो हम थोड़े से रिकॉर्ड्स की तरफ चलेंगे, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड के लार्ज स्टैट्स की तरफ चलेंगे, फिर हम ड्रीम इलेवन ऐप पर चलेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। साथ ही दोस्तों आपको पता है थंबनेल पर पिछले मुकाबले की आप वीडियो देख सकते हो, मैंने अभिषेक शर्मा बेनेट को लेकर के टीम हटाने को तक क्यों कहा था। टेलीग्राम से आप जा सकते हो हमारी फैंटेसी की प्राइम टीम के लिए, जुड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ, सबसे पहले जुड़ जाइए दोस्तों अगर आपको टीम चाहिए। हरारे स्पोर्ट क्लब की अगर बात करें तो दोस्तों टोटल मैचेस यहाँ पे 43 खेले गए, फर्स्ट बॉन सब 25, सेकंड बॉन 18 और स्कोर 120 बार बना है, 168 बार बना है, एवरेज स्कोर 158 है, हाइएस्ट स्कोर 234 जो कि इंडिया ने खुद ने अभी इसी सीरीज में बनाया है। जिम्बाब्वे ने 99 पर ढेर हो चुकी थी। पिच अगर ओवरऑल बात करें तो बैलेंस पिच है। तो लास्ट मुकाबलों की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है 10 जुलाई को मुकाबला खेला गया है, यहाँ पर 182 रन बने और जिम्बाब्वे की टीम 159 पर 6 विकेट गवाए। 7 जुलाई को 234 रन बनाए, 134 पर ढेर होती हुई देखी। 6 जुलाई को मुकाबला हुआ, 115 रन बनाए जिम्बाब्वे की टीम ने, 102 रन बनाई 10 विकेट पर इंडिया। दोस्तों यहाँ पर पेसर्स को 5 और 5 स्पिनर्स को यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली भी बन जाता है दोस्तों, कैसे कब वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। बॉलिंग स्टैट्स की बात करें तो 33 मैचेस खेले गए, 19 विकेट लिए हैं पेसर्स ने, फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, सेकेंड इनिंग में 14 विकेट लिए हैं दोस्तों पेसर्स ने। स्पिनर्स की बात करें 20 विकेट लिए हैं दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में 9 और सेकेंड इनिंग में 11। दोस्तों यहाँ पर अगर टोटल मैचेस 11 खेले गए, इंडिया ने 8 जीते हैं और जिम्बाब्वे की टीम दिस सीरीज 3-1 से आगे चल रही है। अगर हम प्लेइंग 11 सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 की बात करें, क्योंकि दोस्तों अगर इनकी बात करें तो एक दो चांसेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, मेरी ऐसा मानना है दोस्तों कि चांसेस बहुत ही कम चांसेस हैं क्योंकि इनके बेंच की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम नज़र आ रही है दोस्तों, कुछ खास नहीं है दोस्तों। तो हम चलेंगे अब सीधे ड्रीम इलेवन ऐप पर, कौन से सिलेक्टेड और कौन सी सिलेक्टेड टीम्स आपके लिए कारगर साबित होने वाली है दोस्तों। पर मुझे पता है आप लोग सभी लोग अपने मन की टीम बनाओगे दोस्तों, आपने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली होगी, सबकी प्रेडिक्शन देख ली होगी, परंतु दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई ज़्यादा सारे खिलाड़ियों के बारे में नहीं बता, आपको जो यूज करना है आपको मैं टीम दिखाऊँगा अगर 3 से 4, और साथ ही अभी आपको जो ट्रंप खिलाड़ी जिम्बाब्वे की तरफ से यूज कर रहे हैं किस प्रकार से यूज करने हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो मनांडे को आप यूज करके लेके जा सकते हो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें, कब यूज करना है दोस्तों आपको, फर्स्ट इनिंग में आप यूज करके जा सकते हो। सैमसन को यूज करना है दोस्तों, आपको बता दूँ, सेकेंड इनिंग में बिल्कुल भी यूज करके मत जाना, अगर आप उम्मीद करते हो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से 2 से 3 कैचेस लपक सकते हैं सैमसन तो ही इनको यूज करके जाएँ। यहाँ पर अगर बात करें, जैसा कि पिछले मैच में मैंने आपको बताया था मेयर्स की तरफ से
लेने को, परंतु इस मैच में दोस्तों जरूरी नहीं है मेयर्स ही चलें। दोस्तों आपको तीन खिलाड़ियों का यूज करना है, एक होगा एक जे कैम्बेल, एक हो गया डी मेयर्स। दोस्तों इन तीनों खिलाड़ियों को एक ही टीम में यूज नहीं करना है, एक एक करके टीम में, हर एक टीम में यूज करना है एक एक खिलाड़ी को। बैट्समैन सेक्शन से जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी लेना है दोस्तों मात्र। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों गैगबार्ड जो कि आपको फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग में उपयोगी साबित नहीं हो सकते, वो इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हो जैसा कि आपको पता है कि अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आपके लिए यहाँ पर चार नंबर पर खेलने उतरेंगे गैगबार्ड। आपको उम्मीद क्या है कि 120 रन ही मैक्सिमम बना सकती है जिम्बाब्वे की टीम, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिल और जयसवाल ही मिलकर के रन बनाने वाले हैं 100-120। अगर बचेंगे तो वो खाते में आ जाएंगे आपके अभिषेक शर्मा के, इनको मौका नहीं मिलेगा। पहला सिनेरियो एक सेफ चॉइस, इसके बदले में आप एक जिम्बाब्वे के प्लेयर लेके जा सकते हो दोस्तों। अब दूसरे खिलाड़ी की बात करूं दोस्तों अभिषेक शर्मा की, अगर क्यों कैप्टन नहीं करके जाना है इसको, दोस्तों तीन नंबर पर खेलने आता है फर्स्ट इनिंग में, आपको क्यों कैप्टन नहीं करना, वो इसलिए कैप्टन नहीं करता सेकेंड में तो वैसे ही नहीं बनेगा दोस्तों। एक ओवर दो ओवर डालता है, पहला ओवर पावर प्ले में डालता है जो कि संभल कर खेल जाते हैं, तो दूसरे ओवर में एक आध विकेट भले ले जाए तो टीम में आप रख सकते हो। बैटिंग से तीन नंबर पर बैटिंग करते हैं फर्स्ट इनिंग में, मान लीजिए अगर इंडिया बैटिंग करती है तो समझ लीजिए कि ये पहले गिल और जयसवाल अगर ओपनिंग करने आए 8 से 10 ओवर खेल के जाते हैं, 10 ओवर खेल के जाते हैं और फिर नंबर आता है ए शर्मा का। ए शर्मा वैसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, परंतु ओवर्स कम बचेंगे तो और तेज़ खेलेगा, तो इनसे कप्तानी की उम्मीद ना करें, टीम में लेके जा सकते हो दोस्तों। और दूसरा एक सेनेरियो, वास्ट सेनेरियो, जो एक बहुत ही वास्ट सेनेरियो बता रहा हूँ जो टीम में ना लेने की, अगर आप सोचते हो कि जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलते हुए ढेर हो सकती है 100 रन के अंदर, तो आप इसको लेके नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर शुरुआत 50 से 100 रन अगर बनाती है जिम्बाब्वे टीम तो ये दोनों खिलाड़ी आपको जिताते हुए दिख जाएंगे दोस्तों एक तरफा दोस्तों। बाकी ये रिस्की चॉइस हो सकती है टीम को छोड़ने के लिए, परंतु पिछले मुकाबले मैंने छोड़ के बोल दिया था। यहाँ पर नगारवा आपको बॉलिंग सेक्शन से फर्स्ट इनिंग में ट्रंप का काम करके देखे, आप हर एक टीम में लेके जा सकते हो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। डब्लू मसकाजा की बात करें तो दोस्तों ये फर्स्ट इनिंग में अगर बॉल करके तो लेके जा सकते हो, और फर्स्ट इनिंग में जिम्बाब्वे टीम बैटिंग करे तब भी लेके जा सकते हो, 20 से 25 रनों की उम्मीद कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बॉल बैटिंग भी कर लेता है। वाइस कैप्टनसी की अगर बात करें तो खलील अहमद को भी आप वाइस कैप्टनसी थमा सकते हो, 31% का सिलेक्शन है, एक तरफा ट्रंप का काम करके दे जाएगा दोस्तों। बाकी फाइनल अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और मैं आपको फाइनल टीम्स दिखाने वाला हूं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहला कॉम्बिनेशन आपके सामने है, ये कॉम्बिनेशन तब का है जब पहले बल्लेबाजी अगर इंडिया टीम करती हुई देखी जाए तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं, एक कॉम्बिनेशन ग्रांड लीग का आपके इस प्रकार से नजर आ रहा है, सिकंदर रजा को यहाँ पर कप्तानी और वाइस कैप्टनसी, जयसवाल को, कैम्बेल को ट्रंप और नगरबा को ट्रंप बना करके रखा है दोस्तों। ये भी टीम तब की है जब इंडिया पहले बल्लेबाजी करे, अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करती है तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना करके जा सकते हो। यहाँ पर खान को कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर बिश्नोई की। फाइनल अपडेट्स के लिए, चेंजेस के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हो दोस्तों, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ की अपडेट दे दी जाएगी। यहाँ पर गैगबार्ड को आप ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। एक और कॉम्बिनेशन आपके सामने है जिसमें बिश्नोई को कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर खलील अहमद को दोस्तों। आपको पता है बिश्नोई को पिछली पारी में संभल कर खेल गए थे और इनको विकेट नहीं मिला, परंतु इस मैच में ऐसा बहुत ही कम होने वाला है दोस्तों। उसका फ़ायदा वॉशिंगटन सुंदर ने उठाया था, परंतु इस मैच में रवि बिश्नोई शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं दोस्तों। जय श्री राधे, जय शिव शंभू, राधे राधे का नाम लीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए।